हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो ग्रुप से लिया गया है। यहाँ हमें प्रॉब्लम दी गई है और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। हमें दिया गया है एक सेमी ग्रुप, एक ऐसा सेमी ग्रुप जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को दिया गया है, और साथ ही हमको दिया गया है ए मल्टीप्लिकेशन विथ ए इक्वल टू बी। हमें ये शो करना है कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अगर हम इस चीज़ को देखें a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव को शो कर रहा है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम सेमी ग्रुप की बात करें, सेमी ग्रुप मीन्स इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी। इसकी फोर प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी होंगी क्लोजर, दूसरी प्रॉपर्टी होंगी एसोसिएटिव, तीसरी प्रॉपर्टी होंगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो होगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये सेमी ग्रुप है डेट मीन्स ये फोर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। लेकिन जो हमें यहाँ पे शो करना है ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये बताता है प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव को। अगर इस सेमी ग्रुप ने इस प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट कर लिया, डेट मीन्स ये सेमी ग्रुप एक तरह का अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं दिखाना है कि अबेलियन ग्रुप है कि नहीं, हमें ओनली इतना प्रूव करना है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए है। हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, हमें दिया गया है a और b, और साथ में इनके बीच में ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन को टाइप कर दिया है, पर मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉमा, यानी a कॉमा b, और इनके बीच में जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। साथ ही हमको ये दिया गया है कि एक सेमी ग्रुप है, और हमें दिया गया है कि जो a इंटू ए है, यानी a विथ मल्टीप्लिकेशन a, हमें मिलेगा b, या फिर हम बोल सकते हैं कि b इक्वल टू a मल्टीप्लिकेशन a है। अब हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं a इंटू b को। यूनिवर्सल रूल में हमेशा यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट प्रूव करना पड़ता है। यहाँ भी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, यानी a मल्टीप्लिकेशन विथ b को। अब a इंटू बी जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू ए। b की प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया, a इंटू ए, बिकॉज हमको दिया गया है कि a इंटू ए इक्वल टू b है। अब आगे हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट था थोड़ा उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। हमने क्या किया, जो शुरू जो ब्रैकेट था उसको हमने स्टार्टिंग में पुट कर दिया a इंटू ए। अगर हम इस लॉ को देखें, हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज एसोसिएटिव लॉ बोलता है a इंटू ब्रैकेट में a इंटू ए इक्वल टू ब्रैकेट में a इंटू ए इंटू ए, तो हमने एसोसिएटिव लॉ का यहाँ पे यूज़ किया है। अब यदि हम a इंटू ए देखें, इसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं, b, तो हमें क्या मिल जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। सो फ्रेंड्स, ये तरीका था a इंटू बी को b इंटू ए प्रूफ करने का। एक्चुअली और भी कई वे हैं, बट आई फाउंड दिस वे वेरी इजी, तो आई यूज दिस वन। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।